हाय एवरीवन, तो इफ तुमने ये वीडियो ऑलरेडी पूरा देख रखा है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा फिर से पूरा देखने की, क्योंकि मैंने कुछ चेंजेस करे हैं, क्योंकि पहले वीडियो में कुछ दिक्कतें थी इसलिए मुझे उसे हटाना पड़ गया। पर इफ तुम्हें ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो मुझे लाइक और कॉमेंट करके प्लीज जरूर बताना, क्योंकि तुम लोग को शायद पता नहीं होगा तुम्हारे इसी एक लाइक और कॉमेंट की वजह से मुझे वीडियोज बनाने की वजह मिलती है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना। वो लोग आ रहे हैं। ओह माय गॉड, वो लोग यहाँ से अंदर क्यों नहीं आ जाते? ये गेट भी तो खुला हुआ है। डेनिस, नालायक, तेरी मामी अंदर नहीं आ रही है। ज़ॉम्बी से बंद कर वो गेट। ज़ॉम्बी? तुम यहाँ संभालो, मैं उधर देख के आता हूँ। स्कूल ट्रिप पर ज़ॉम्बीज, ये क्या कोई पिक्चर की कहानी चल रही है? कि किसका आइडिया था स्कूल ट्रिप पे आने का? मेरा नहीं था। मेरा भी नहीं था। मेरा होगा फिर। एक सेकंड डेनिस, तुझे वो नशे कहाँ से मिले? अरे उसके नशे छोड़, तू ये बता, तुझे ये गन कहाँ से मिली? ये तो वहाँ पे पड़ी हुई थी। मुझे भी गन मिली। अरे बाप रे, उसके पास बंदूक है। डिच के आऊँ। मैं आया ही क्यों इस ट्रिप पे? इससे अच्छा तो रात में सिंडी से बात करके मैं सो जाता। अबे सही बोल रहा है यार, तुम बहुत प्यारे हो, बिल्कुल किसी पांडा की तरह। कितनी प्यारी है यार वो, लेकिन उसके पापा ने उसका फोन ले लिया। तुझे सिंडी के बारे में कैसे पता चला? मेरी नकल करना बंद कर, बता अभी। लगता है एक ही लड़की तुम दोनों का काट रही है। वैसे मेरी बहन का नाम भी सिंडी है और कल उसका भी पापा ने फोन ले लिया। एक सेकंड। अरे भाई, तुम लोग का चल क्या रहा है? लगता है थोड़े टाइम में हम लोग भी मारे जाएंगे। ये आखिरी समय में तुम लोग को अगर कुछ बातें शेयर करनी है तो कर सकते हो। मैं करूंगा। सबसे पहले मुझे हेनरी की मम्मी पसंद है। हाँ यार, मुझे भी मेरी मम्मी पसंद है। अबे ओए, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो जब हम लोग स्कूल से निकल रहे थे ट्रिप के लिए, मैंने गुल्लू को स्कूल में ही बंद कर दिया था। मतलब 2 दिन से गुल्लू स्कूल में ही है? हाँ, पर मैंने उसका टिफिन वहीं छोड़ा था तो वो जिंदा रहेगा। तुम ये टिफिन की बात कर रहे हो क्या? मुझे भी बताना है कुछ। मैं भी एक दिन मूवी देखने जा रहा था तो मेरे पास पॉपकॉर्न के पैसे नहीं थे, तो मैंने एक अंधे के कटोरे में से पैसे निकाल लिए थे, थोड़े से। अच्छा चलो, थोड़े से नहीं, पूरे निकाल लिए थे। अच्छा चलो, मैंने उसे नदी में भी धक्का दे दिया था। अच्छा ठीक है, मैंने उसे धक्का देने के बाद नदी में बम भी फेंक दिया था। मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया है। हाँ, तूने बहुत गलत किया है। जब तेरे पास उस दिन पॉपकॉर्न के पैसे थे तो तूने हमको क्यों नहीं खिलाया? और जब तुझे पैसे मिल गए थे तो तूने वो अंधे को पानी में क्यों फेंक दिया? मुझे भी तुम लोग को कुछ बताना है। मैं हेनरी नहीं हूँ, मैं थॉमस का पापा हूँ। पापा? मजाक कर रहा हूँ यार, मैं तो हेनरी हूँ। ये क्या भद्दा मजाक था? पर मुझे भी कुछ बात बतानी है। मेरे दादाजी के बर्थडे के दिन मैंने उन्हें स्केटबोर्ड गिफ्ट किया था। उस दिन सब कुछ बहुत अच्छा था, हम लोग बहुत खुश थे, पर फिर मैंने उन्हें थोड़ा ज्यादा जम से धक्का दे दिया। शाबाश बेटे, ये हैप्पी बर्थडे पापा, आपके लिए गन्ने का जूस। ये कैसी मस्ती चल रही है? ये अरे हे जिमी, मुझे लगता है मैंने अभी एक 80 साल की डोकरे को स्केटबोर्ड से जाते हुए उड़ा दिया है। पता नहीं। अरे बाप रे, ये क्या है? बर्थडे के दिन कौन मरता है यार? सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। आज तक मुझे मेरे दादाजी के बुरे सपने आते हैं। बेटे, तूने मेरा नुन्नू देखा? क्योंकि मुझे मिल ही नहीं रहा है ये, किधर गया ये? खैर, दादाजी को ज्यादा लगी नहीं होगी। तेरे दादाजी के ऊपर से एक अक्खी कार निकल गई, उन्हें लगी नहीं होगी। मरी गए ना सीधे। क्योंकि मेरी बात सुन, सिंडी का बर्थडे आ रहा है, तू तेरा स्केटबोर्ड और तेरे दादाजी के नुन्नू वाले सपने दूर रहना। मैं क्यों दूर रहूं? तू दूर रह। मैं क्यों दूर रहूं? तू दूर रह, बागड़ बिल्ले। अच्छा मैं बागड़ बिल्ला तो तू मेरी बीवी? मैं तेरी बीवी नहीं, तू मेरी बीवी। ओ, काम कैसे चल रहा है आपका? काम काफी अच्छा चल रहा है। ओ, तो फिर सिंडी से दूर हो जाओ। तुम मुझे ऑर्डर क्यों दे रही हो? तुम मेरे पापा हो क्या? हाँ बेटे, मैं तेरा पापा हूँ। तू मेरा पापा नहीं है, मैं तेरा पापा हूँ। भाई साहब, काम कैसा चल रहा है? काम काफी अच्छा चल रहा है, और आप सिंडी से दूर हो जाइए। लेकिन मैं तो सिंडी को जानता ही नहीं। मेरी बहन के लिए लड़ना बंद करो। बीच में नहीं बोलते बेटे। मत लड़ो, बोला ना। अच्छा ठीक है। वो मुझे भी कुछ बात बतानी है। अगर तूने फिर से बोला तुझे मेरी मम्मी पसंद है तो कौन ही मारूंगा। नहीं नहीं, वो नहीं। तो बचपन में मुझे अजीब रिएक्शन देने की एक बीमारी थी। दादाजी नहीं रहे।
टेंटेड़ा, आज मुझे बोनस मिला है। डेनिस बेटा आ करो। गुड बॉय डेनिस। मेरे पीछे मेरे घर में लड़ाइयाँ भी बहुत होती थी। ये कैसे अजीब से बच्चे को पैदा किया है तुमने? हाँ हाँ, जैसे मेरे पास तो अजीब बच्चे पैदा करने की गन है। तो ये गन सच में तुम्हारे पास है? मैं जा रही हूँ, मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पे। तुमने देखा तुम्हारी वजह से क्या हुआ? वी। उसके बाद फिर पापा ने भी घर छोड़ दिया। पर अकेला रह के मैंने एक चीज सीखी है, जब तुम मरने वाले होते हो कोई भी चीज मैटर नहीं करती है। वैसे कोई सांप सीढ़ी खेलेगा? तुम्हें ये सब मिल कहाँ से रहा है? ओ ये वहां से। ओ वहां से तो मुझे गन भी मिली थी। मुझे लगता है अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मैं भी। हाँ अब तो वैसे भी मरना पड़ेगा, एक दूसरे को इतनी बातें जो बता दी। आओ चलो गले मिलते हैं। सुनो लूजर्स। हाँ, स्कूल ट्रिप वापस घर जाने वाली है, तो इस कबाड़ से निकलो वरना यहीं रह जाओगे। एक सेकेंड, बंटू तू एक ज़ॉम्बी है? तुम कितने भोले हो, हम लोग तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे। गवारो, प्रैंक कर रहे थे? हाँ, फिर वो ज़ॉम्बी कौन था जिसे हमने बंदूक से उड़ा दिया? ज़ॉम्बी उड़ा दिया? एक सेकेंड, सोमू, हेमू, बंटू, विक्कू, विक्कू, मेरा छोटा भाई, तुमने तो इसका सर ही खोल दिया। कैसे मारा तुमने इसे? मेरी गन से। उसके पास बंदूक है, बचाओ। बिच के आओ। तुम लोग मॉन्स्टर्स हो, मॉन्स्टर्स। विक्कू। हाय एवरीवन, तो सच बताओ तो मुझे नहीं पता ये वीडियो कैसा करने वाली है। ये वीडियो सबको पसंद आएगी क्योंकि हम है इसके अंदर। हाँ हेनरी, मैं वही बता रहा हूँ उन लोग को, चुप हो जा दो मिनट। मुझे भी बोलना है। नहीं थॉमस, अभी नहीं, अभी सिर्फ मैं बोलूंगा। तो जैसे कि तुम्हें पता ही है, इफ तुम्हें ऐसे एपिसोड्स और चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये भी बताओ तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था इस वीडियो से। मेरा नाम लेना। दो मिनट चुप हो जाओ सालो। तो ये वीडियो इफ तुम्हें पसंद आता है तो लाइक मारना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।